यहाँ पे वेयर हाउस बने हुए हैं, कंपनियाँ वगैरह बनी हैं, लार्ज एरिया में जो है एरिया को कवर करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने में। तो यहाँ पे जो है छत बनाया गया, पूरा रूफिंग शेड बनाया गया है। इसमें समस्या ये थी कि पूरे शेड से पानी टपकता था, सारे ज्वाइंट पर काम हुए हैं, नट बोल्ट पर काम हुए हैं। मैं आपको बता दूँ कि शेड लगाने की वहाँ ज़रूरत पड़ती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा एरिया होता है, जैसे कंपनी हो गई, फैक्ट्री हो गई, वेयर हाउस हो गया या बिल्डिंग के टॉप फ्लोर हो गया। सब कुछ ठीक रहता है, शेड लग जाता है। शेड कई टाइप के होते हैं, मेटालिक, नॉन मेटालिक, जीआई का हो गया, सीमेंटेड हो गया, फाइबर का हो गया, बहुत सारे तरीके के आते हैं। तो मैं हर शेड के लिए आपको एक तरीका बता रहा हूँ, पानी जो है अगर टपकता है जाता है तो उसको कैसे ठीक किया जाएगा। ये जो साइट है, मैं आपको यहाँ बता दूँ कि यहाँ पर जो है पूरा ये रूफिंग शेड लग चुका है और इसके नीचे थर्मल इंसुलेशन भी लगा है और उसके नीचे जो है इंटीरियर पीओपी का काम किया गया है, मतलब एक तरह से बिल्कुल कमरे की तरह बना दिया गया है। जब भी बारिश होती थी तो इसके ज्वाइंट से पानी जाता था और पूरे नीचे फैलता था, हर जगह पानी की बूंदें टपकती थी। जो भी काम इसमें होता था वो बाधित हो जाता था, या जो भी काम होता है अगर पानी की बूंदें वगैरह टपकेंगी तो जाहिर सी बात है उसमें रुकावट आती है। तो इसको सही करने के लिए पूरे शेड के ऊपर वाटर प्रूफिंग का काम किया जा रहा है। हर जगह आप देख रहे हैं ये फाइबर लगा हुआ है, नट बोल्ट पे, ज्वाइंट पे, पूरे शेड के ऊपर जो है फाइबर से सारे ज्वाइंट को बंद किया गया है। सारे नट बोल्ट का जो भी एक छोटा सा छोटा होल है जहाँ भी अगर खराब दिख रहा है उसको बंद कर दिया गया है, और बंद करके इसके ऊपर वाटर प्रूफिंग का काम ये किया जा रहा है। टोटल ज्वाइंट बंद हो जाने के बाद इसका एक और चीज़ बता दूं कि जब भी लीकेज वगैरह करता है तो हम लोग क्या करते हैं कि बाज़ार में जाते हैं और सस्ता सा सामान वगैरह देख लेते हैं, ग्लू वगैरह लगा देते हैं, दो तीन दिन सही रहता है, फिर वो हीट से क्या होता है कि सिकुड़ जाता है, बाहर निकल जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फिर भी कामयाब नहीं हो पाता है और बराबर परेशानी बनी रहती है। तो यहाँ पे जो है लिक्विड रबड़ का काम किया गया है, लिक्विड रबड़ की कोटिंग की गई है, फाइबर लगाया गया है, मात्र कि यही तरीका है लंबे समय से इसको बचाने का। टोटल इस पर 4 कोटिंग की जाएगी, आपको नट बोल्ट वगैरह दिखाया था शुरू में वो सब फिक्स कर दिया गया है, इसके ऊपर अब कोटिंग की जा रही है, पूरा इसका कलर चेंज हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये लिक्विड रबड़ है, स्पेशली इसी के लिए आता है, ये पानी को रोकता है, और जो ये ब्लैक ब्लैक आप देख रहे हैं ये पूरा कोटिंग की गई है, हर जगह ढक दिया गया है, और वाइट वाला देख रहे हैं ये जो है लिक्विड रबड़ है, ये थर्मल इंसुलेशन का भी काम करता है, मतलब कि जो भी वर्क होगा लिक्विड रबड़ फाइबर को उसको हीट से ये प्रोटेक्शन देगा, ख़राब नहीं होगा। एक भी अगर इसमें काम रह जाएगा तो क्या होता है कि चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो मात्र कि यही तरीका है इसको पानी को रोकने के लिए ज्वाइंट से, नया नया लगता है तो होता यह है कि नया में नट बोल्ट ज्वाइंट वगैरह टाइट रहते हैं, ज्वाइंट भी टाइट होता है तो वहाँ से पानी नहीं जाता, समझ में नहीं आता, लेकिन समय जैसे गुजरता है, कुछ साल गुजरते हैं, हर जगह रस्टिंग होने लगती है, ज्वाइंट से पानी जाने लगता है और फिर आप सोचते हैं इसको नया लगाने के लिए, तो नया लगाने में बहुत ज़्यादा खर्च आता है। वाटर प्रूफिंग की बात करूँ तो वाटर प्रूफिंग में भी उतना ही खर्च आता है जितना नया लगाया जाता है, लेकिन एक चीज़ फ़ायदा ये होता है कि शेड को वाटर प्रूफ करके जितना पैसा लगा अगर उतना ही पैसा लगा दिया जाएगा तो 20 साल कहीं नहीं गया है, न ज्वाइंट से लीकेज जाएगा, न ये खराब होगा। अन्यथा समय से पहले क्या होगा कि अगर इस पर वाटर प्रूफिंग या कोटिंग नहीं की जाती तो डस्ट इतना ज़्यादा लगता है कि पूरा यह झड़ जाएगा, जगह जगह होल हो जाएंगे और फिर इसको आपको बदलना पड़ेगा। यानी कि जो एक काम करने के अगर 20 साल तक उसका लाइफ बनी रहेगी, 20 से 25 साल, क्या होगा कि 5 से 6 साल में भूल जाता है और आपको वहाँ पे पैसे खर्च करने पड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। शुरू में तो महंगा लगता है लेकिन इसका अगर लाइफ टाइम देखा जाए आगे तो बहुत फायदेमंद साबित होता है। काम बाधित नहीं होता, आपका काम चलता रहेगा, ऊपर से वाटर प्रूफ हो जाएगी, पानी की टपकना वगैरह बंद हो जाएगा। जो हमारी कंपनी का वाटर प्रूफिंग सर्विस है पूरी दिल्ली NCR इंडिया के मेजर स्टेट में अवेलेबल है। चैनल पर मैं अपना मोबाइल नंबर दिया हूँ, उस पर कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं और चाहे तो अपने शेड के ऊपर वाटर प्रूफिंग भी करा सकते हैं। कैसा भी शेड हो या बिल्डिंग हो, कमर्शियल बिल्डिंग, रेजिडेंशियल बिल्डिंग या घर है, कैसा भी है, घर है, शेड है, छत टपक रही है, तो उसका सलूशन यहाँ पर किया जाता है। टोटल यहाँ पर वाटर प्रूफिंग किया जाता है। वाटर प्रूफिंग के कई सारे मेथड होते हैं करने के लिए, मैं अपने चैनल पर बहुत सारे वीडियो बनाया हूँ, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।